टू वेव्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन वाई वन इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस 0.57 एमीटर एंड वाई टू इज इक्वल टू ए कोस ओमेगा टी प्लस के एक्स इन मीटर वेयर एक्स इज इन मीटर एंड टी इन सेकेंड द फेज डिफरेंस बिटवीन दैम इज फेज डिफरेंस बताना क्या होगा. तो दिस इज द गिवन इक्वेशन है हमारे पास y1 वन एंड वाई टू दे रखा है. तो y1 वन ये हो गया हमारे पास y2 को साइन में चेंज करना पड़ेगा तो a साइन ओमेगा t प्लस के एक्स प्लस पाई बाय टू हो जाएगा. ओके क्योंकि अगर कोस में अगर उसमें पाई एंगल जोड़ देते हैं सॉरी 90 डिग्री एंगल जोड़ देते हैं तो हमारे पास क्या जाता है कोस साइन में चेंज होता है कोस. तो y2 टू इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी इसमें 0.57 दे रखा तो इसको भी न्यूमेरिकल फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा प्लस के एक्स प्लस 3.14 डिवाइड बाय में 2 ले लेंगे तो हमारे पास y2 इक्वल टू आ जाएगा a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस 1.57. ओके हमें निकालना क्या है फेज डिफरेंस निकालना है तो इसमें 0.57 है और इसमें क्या है 1.57 तो फेज डिफरेंस हमारे पास क्या आ जाएगा फेज डिफरेंस हमारे पास आ जाएगा 1.57 माइनस 0.57 यानी कि 1 रेडियन पर सेकेंड. आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 1 रेडियन पर सेकेंड. दिस इज द आंसर.